आज की जो ये मेरी वीडियो है ये जोक्ट एकेडमी के एक नए इनिशिएटिव के ऊपर है, और ये हमारा जो इनिशिएटिव है ये उन लोगों के लिए है जो कि HAS की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एलाइड सर्विसेज की करना चाहते हैं और किसी और भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बट वो कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं और उनको लगता है कि हमारे पास कोई गाइड नहीं है, कोई मेंटर नहीं है। और इसमें कोई भी लोग आ सकता है, इवन हाउसवाइफ हो, कोई कॉलेज जाता हुआ स्टूडेंट्स है, एक्स सर्विसमैन है। तो इन सभी की जो रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये कोर्स लॉन्च किया है। और ऐसे में बहुत सारी डिमांड्स भी आती है कि किसी एक स्ट्रक्चर्ड मैनर से ऑफिशियली हम क्या करें, आपको मेंटरिंग करें, आपको गाइड करें। तो इस कोर्स के बारे में हम डिटेल में जानते हैं, देखते हैं क्या है। इस कोर्स का नाम है प्रेपरेशन रिक्वायरमेंट मीट, PR मीट नाम होगा इसका, कि आपकी जो प्रेपरेशन है उसमें आप किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और क्या क्या आपको कंटेंट पढ़ना है, कैसी आपको गाइडेंस चाहिए, ये सारी आपकी यहाँ पे कैटर हो जाएगी। तो पर्सनल स्ट्रेटजी गाइडेंस एंड मोटिवेशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अब इस कोर्स का कुछ जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है टेलर्ड प्रेपरेशन सपोर्ट। आपको जो सपोर्ट मिलेगी वो एक असाइंड मेंटर के द्वारा दी जाएगी, कि जो इस कोर्स को ज्वाइन करेगा उसका एक पर्सनल मेंटर होगा और जो आपके लिए आपके अकॉर्डिंगली पर्सनलाइज्ड प्लानिंग बनाएगा और उसके साथ बातचीत करने का, मिलने का जो शेड्यूल होगा फ्लेक्सिबल रहेगा। दूसरा स्ट्रक्चर्ड स्टडी अप्रोच, कि अब आपकी जो स्टडी है वो एकदम स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक टाइम की लिमिट होती है, हमने किस तरह से 12 या 15 मंथ्स में अपना पूरा प्री एंड मेंस को कंप्लीट करना है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए आपके लिए गाइडेड स्टडी प्लान बनेगा और जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो, चाहे प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो, मेंस के लिए पढ़ रहे हो, आंसर राइटिंग कर रहे हो, उसकी आपकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होगी और उसके ऊपर आपको एक्सपर्ट की एडवाइस मिलेगी। अब जो मेंटर होगा, अब हो सकता है कि उसकी हर एक सब्जेक्ट में उतनी पकड़ नहीं है, तो वो आपको हेल्प करने के लिए जो हमारी टीम के अदर एक्सपर्ट्स होंगे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होंगे, उनकी आपके लिए हेल्प प्रोवाइड करेगा। और थर्ड है इसका क्लैरिफिकेशन एंड असिस्टेंस। तो हम कैसे आपको हेल्प करेंगे, डाउट क्लैरिफिकेशन, क्योंकि जो ये कोर्स है ये पूरा टीचिंग वाला नहीं होगा, हम आपको शेड्यूल बना के देंगे आपने कैसे पढ़ना है और कितने टाइम में इसको कंप्लीट करना है। अगर उसमें आपको बीच में डाउट आता है तो उसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे और सब्जेक्ट एक्सपर्ट की हमें सहायता ली जाएगी और रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन रहेगा हमारे बीच में, कि उसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि हम आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। और जहां तक हो सकता है कि किसी भी मोड से, चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे वो फ़ोन कॉल है, चाहे वो मेल है, तो हर तरफ से हम आप तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है मेंटरशिप बेनिफिट्स। अगर आपने ये कोर्स ज्वाइन कर लिया तो अब आपको क्या बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे, एक तो पर्सनलाइज गाइडेंस मिलेगी आपको, दूसरा आपकी लर्निंग एनहांस हो जाएगी, अच्छे लेवल पे आप पेस पकड़ पाओगे, क्योंकि आपको इधर उधर का नहीं पढ़ना पड़ेगा, जो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है आप उसको ही करोगे और आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी, आपको भी लगेगा नहीं यार मैं भी बाकियों से अलग नहीं हूँ, जैसे बाकी लोग कोचिंग ले रहे हैं तो मुझे भी कहीं ना कहीं कोचिंग जैसा ही सपोर्ट मिल रहा है। तो आप अपने को एक तरफ से आउटकास्ट नहीं समझोगे कि जो लोग कोचिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमें मेंटली भी अपने आप को थोड़ा सा उस तरफ लेके जाना पड़ता है। नेक्स्ट है प्रोग्राम के कुछ हमें एटिकेट्स हमें मेंटेन रखना है, उसमें सबसे पहली बात है प्रोफेशनल बाउंड्रीज, क्योंकि जो मेंटर होगा कि वो आपसे बातचीत करेगा और आपसे मिलेगा, तो उसमें हमने ये ध्यान रखना है कि दोनों तरफ से एक प्रोफेशनल बाउंड्रीज रहनी चाहिए और रिस्पेक्ट फॉर पर्सनल टाइम, ये भी बड़ा ज़रूरी है, कहीं ऐसा भी ना हो कि अगर आपको जो मेंटर असाइन किया हुआ है कि आप उसको किसी भी वक्त कॉल कर रहे हो, वो ऑफिशियल आर नहीं है या हॉलीडे है, तो ये थोड़े से ध्यान रखना पड़ेगा इन बातों का। और ग्रीवांसेज रिड्रेसल, तो अगर आप सर्विस से आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, आपको कुछ डाउट है या आपको लगता है कि आपका मेंटर आपसे सही से नहीं आपको मेंटरिंग कर रहा है, तो उसके लिए ग्रीवांसेज रिड्रेसल के लिए आप डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, और यहाँ पे प्रोविज़न ये भी होगा हम मेंटर को चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है सपोर्टिव लर्निंग एनवायरमेंट, इंटरेक्टिव इंगेजमेंट रहेगी, क्योंकि इसमें बात यह है कि हमने सिर्फ आपके लिए एक पाथ बनाना है, उस पाथ को फॉलो आपने खुद करना है और उस प्लानिंग बनाने में जो आपको बीच में हमारी सपोर्ट जो आपको मिलती रहेगी, इवेलुएट कैसे करना है वो सब कुछ मिलता रहेगा। और तो आपको क्या है कि इसके लिए एक इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा दोनों तरफ से। नेक्स्ट है
एकेडमिक इमोशनल एंड सोशल सपोर्ट। तो कई बार क्या होता है, इस तैयारी में हमें थोड़े इमोशंस भी हमारे अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, और कई बार प्रेशर आ जाता है, और कई बार हम डिसीजन नहीं ले पाते, छोटी छोटी बातों पर डिसीजन नहीं ले पाते। हमें इस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, हमें ऑप्शनल कब स्टार्ट करना चाहिए, और हमें क्या अभी प्री की तैयारी छोड़ देनी चाहिए या अब मेंस ही करनी चाहिए, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। तो इस तरह की एक सपोर्ट मिलना ज़रूरी है, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बाकी आप जोक्ट अकेडमी पूरा पूरा ट्रस्ट कीजिए, तो आपको हर तरफ से हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो बाकी हमारे जो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर है, किसी भी तरीके से आप हम तक पहुंच सकते हैं, तो जो QR कोड है इसके द्वारा भी आप हम तक पहुंच सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि अभी तक कुछ ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था उन लोगों के लिए कि जिनको तैयारी करनी है बट वो कोचिंग नहीं अफोर्ड कर पाते या उनके पास टाइम नहीं है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए जितनी भी हमारे पास आज तक रिक्वायरमेंट आई इस तरह का, तो मुझे लगा कि क्यों नहीं इस तरह के एक प्रोग्राम चलाया जाए ताकि बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनको हेल्प मिले। थैंक यू।